हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दो वीडियो आज की डेट में ऑलरेडी आ चुकी है, जाके देखिए। और इस वीडियो में हम कुछ पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो हमने कुछ फिलहाल कुछ दिनों पहले यहाँ पर दिए थे, जिनमें कुछ में रैली होती हुई नजर आ रही है, कुछ साइडवाइज यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअली उनमें करना क्या चाहिए, उनसे रिलेटेड क्या क्या मेरा व्यू है, वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। पर बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि फौरन तौर पर जब भी हम वीडियो डालें तो आप देख सके। प्लेलिस्ट को गो थ्रू करें, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, एज वेल एज हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है। पर्टिकुलर नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आइए पर्टिकुलर नंबर पे तो कॉन्टेक्ट करिए और लाइक जरूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उन दोनों स्टॉक्स में यहाँ पर काफी अच्छे यहाँ पर प्रॉफिट आपको स्विंग ट्रेड में मिल सकते हैं, तो यहाँ पर इन स्टॉक्स की तरफ भी ध्यान दीजिए। तो हम बात कर रहे हैं कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड, ओके। उनमें से अगर हम बात करें TV18 की, सबसे पहले TV18 यहाँ पर कल ही आपको ये स्टॉक्स दिया गया था। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ₹50 का रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर है जो आपको एक मालामाल बना सकता है। तो ये सब बताया था, और आपको क्यों बताया था, क्योंकि इसके रिजल्ट काफी बेहतरीन आए थे। कंपनी ने ऑल टाइम हाई अपने रिजल्ट को पेश किया था, ओके। कंपनी के अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर अच्छी खासी नजर आ रही है, FIs ने अच्छी खासी होल्डिंग ले रखी है, तो यहाँ पर चीजें अच्छी नजर आ रही थी। जब चीजें अच्छी नजर आती है ना, तो आपको लेनी चाहिए, और तब जब वो ब्रेकआउट पे खड़ी हो, तो यहाँ पर ये चीजें ब्रेकआउट पे यहाँ पर खड़ी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने आपको कल की डेट में वीडियो बना के आपको बताया ही था। तो आज की डेट में देखिए अच्छी खासी यहाँ पर लगभग 6% की यहाँ पर जंप है, और अगर अपने आज के हाई को यहाँ पर देखिए एक बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर ये अपने यहाँ पर 55.88 रुपीज को अगर ये निकालता है, ओके। और उसके बाद एक और लेवल में आपको बताना चाहता हूँ जो कि ये है, अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ 58.5, ओके 58.5 को अगर ये निकालता है तो याद रखिएगा एक रैली होगी, जो इसे 35% के टारगेट जो हमारा यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं 35% का यहाँ पर की तरफ लेते हुए इसे जाएगी, जो हमारा टारगेट पूरा मीट होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद ये चीजें यहाँ पर रुकने नहीं वाली, याद रखिए। उसके बाद अगर ये यहाँ पर इसके बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन करके चीजें जब निकलेगी, तो ₹217 का टारगेट आ रहा है, जो कि नॉन स्टॉप चलता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है, कंपनी ने जो रिजल्ट पेश करे है, वो चीज ये चीज बताती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एक और स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करेंगे, जो कि कौन सा है, इंड बैंक मर्चेंट। मैंने आपको बता दिया है इंडियन बैंक की सब्सिडरीज कंपनी है, ओके। यहाँ पर ये ट्रेडिंग और एडवाइजिंग में कंपनी काम करती है, डेट फ्री कंपनी है, ओके। और 16 के PE पे आपको मिल रही है, और यहाँ पर माइक्रो कैप कंपनी है। माइक्रो कैप कंपनी में रिस्क भी ज्यादा रहता है, इस चीज को याद रखिएगा, बट जब शेयर भागता है, ओके, तब रिस्क नहीं देखा जाता, तब स्टॉक्स की यहाँ पर चाल देखी जाती है। यहाँ पर अगर बात करें मूवमेंट, तो यहाँ पर देखिए सेल्स देखिए कंपनी की क्या कंटिन्यूटी के बेस से बढ़ रही है, और हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट। यहाँ पर जो 29 लाख का प्रॉफिट था, वो 3 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट पे पहुंच गया है। तो ये चीजें दिखाती है कि कंपनी कितनी बेहतरीन है, और इस टाइम अगर हम कंपनी को लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर कंपनी आपको हाईएस्ट एवर जब प्रॉफिट दे रही है, नेगेटिव से प्रॉफिट आ गया है, और यहाँ पर रिजर्व अच्छे खासे है, डेट फ्री कंपनी है, और यहाँ पर बात करें प्रोमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है, पब्लिक के पास भी केवल और केवल 33% की शेयर है, और उसमें भी बड़े लोगों ने यहाँ पर ले रखे होंगे। तो याद रखिए ऐसी कंपनी भागती हुई नजर आती है, थोड़ा सा जब से लिया है, ओके, यहाँ पर ₹1 नीचे चल रहा है, बट ₹1 नीचे चल रहा है, कोई ज्यादा यहाँ पर नीचे नहीं चल रहा। मैंने आपको बता दिया था कि इसका एक सपोर्ट लेवल नजर आता है, ओके, जो कि हमें यहाँ पर अगर बात करें तो लगभग ₹20 के आसपास का आता है, गिर सकता है, ₹4 गिर सकता है, बट ₹4 गिर सकता है। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न कितने दे रहा है, वो भी तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद रिटर्न यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो चार्ट पैटर्न ये बता रहा है ₹67, जो कि एक कंटिन्यू यहाँ पर कितना, अगर यहाँ से भी खरीदना अगर हम शुरू करते हैं और बाय एंड डिप्स करके खरीदते हैं, तो 185% के यहाँ पर रिटर्न मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो लॉन्ग टर्म के हम मैंने आपको रिटर्न बताया, बट शॉर्ट टर्म की भी बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में भी 50% के रिटर्न मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और चीजें अच्छी नजर आ रही है, तभी यहाँ पर आपको चीजें बताई जा रही है। ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी अच्छा खासा भाग लिया है, बट कंपनी के रिजल्ट ऐसे हैं, यहाँ पर एक लंबा कंसोलिडेशन चल गया है, तो चीजें ऊपर जानी है, तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब बात करेंगे एक और स्टॉक से रिलेटेड, जिसने जो कंटिन्यूटी के साथ हमें 35-40% के रिटर्न दे रहा था, ओके, बट यहाँ पर अभी लोअर सर्किट लग गया है आज के दिन में, जो मुझे पता था कि या तो लोअर सर्किट या यहाँ से एक अच्छी खासी जंप दिखाएगा। होलसेल ट्रेडिंग ऑफ केमिकल्स में कंपनी काम करती है, काफी बेहतरीन कंपनी है, या अगेन माइक्रो कैप कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, याद रखिए छोटी सी कंपनी ऐसी भागती है, ऐसी गिरती है, डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पर देखिए एक चीज है, 21 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब यहाँ पर माइक्रो कैप कंपनी है, ओके, 46 का PE है, थोड़ी सी महंगी नजर आती है,
बट डेट फ्री कंपनी है और शेयर यहाँ पर हाईएस्ट एवर 59 का इसने बनाया था, ओके, जो कि बहुत टाइम पहले बनाया था, आज 57 पे जाके लोअर सर्किट यहाँ पर लगा है, देखिए 5% का लोअर सर्किट लगा है, चीजें नजर आ रही थी कि लोअर सर्किट लगेगा, यहाँ पर ऑलरेडी कंपनी ने मल्टी अच्छे खासे रिटर्न दे दिए। बट मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर हम 6 महीने का चार्ट पैटर्न ले तो 6 महीने में आपको पता चलेगी कंपनी यहाँ पर एक साइड बेस जोन में चली है, ओके, यहाँ पर कुछ खास यहाँ पर रिटर्न नहीं दिए, कंपनी ने डबल जरूर हुआ है बट ऐसा साइड बेस जोन में चली है, बट चीजें यहाँ पर से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये लोअर सर्किट लगाए तो एक अपॉर्चुनिटी है, क्यों? क्योंकि कंपनी के जो इस बार के भी रिजल्ट है ना, हाईएस्ट एवर सेल्स और हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे, कंपनी यहाँ पर जो कि धीरे धीरे यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है, ऐसी ही कंपनी कब 1,000 रुपये पे पहुंच जाती है, आपने देखा ही है कि इतने परसेंट के रिटर्न देती है, इतने परसेंट के रिटर्न देती है, वो देती है अर्निंग के बेस पर, और जो ऐसी भागे जाती है ना उस पर कभी भरोसा मत करिए। पब्लिक के पास बात करें यहाँ पर 71% दिखा रहा था, बट 71 नहीं, यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग बड़े बड़े लोगों ने ले रखी है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो हम एवी पॉलीमर की बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए एक दोबारा मौका बन गया है, ओके, खरीदने का, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये शेयर इस डरा के, ओके, प्रमोटर्स यहाँ पर डरा के चीजें दोबारा यहाँ पर निकलवाएंगे, ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुका है, कुछ पैसे से स्टॉक्स 52 रुपए पे आ चुका है, बट यहाँ पर चीजें रुकने नहीं वाली, यहाँ पर ग्रोथ अच्छी खासी नजर आती है जो मुझे, ओके, और क्या यहाँ पर हो सकता है वो उसकी पॉसिबिलिटीज की हम बात करेंगे। ऑलरेडी हमने यहाँ पर शेयर लगभग यहाँ पर 42 रुपए के आसपास लिया था, 52 पे चल रहा है, बट आज की क्लोजिंग हाई की बात करें 58 जो कि इसने बनाया था, ओके, यहाँ पर मुझे पता था या तो ये यहाँ से निकालेगा जो इसका हाई था यहाँ पर, अगर हम बात करें 59.5, जो कि अगर कल की डेट में अगर अपर सर्किट लगता है या इसी के बाद या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट नीचे गया अपॉर्चुनिटी, ओके, नीचे गिरेगा, मैं यहाँ पर दोबारा इसमें अभी थोड़ी सी क्वांटिटी बाई करी थी, बट इसमें और थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर बाइंग करूंगा, अगर ये यहाँ पर नीचे आ जाता है और ये यहाँ पर 10, 5, 10, 20 रुपए अगर टूट जाता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, और इसके बाद जब यहाँ पर टारगेट नजर आएंगे तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, कौन सा? कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, और ये जो चीजें निकल रही है ना, ये चीजें एक मतलब इस वे में निकल रही है, ऊपर यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे, जिगजैग मोशन में जिसे कहते हैं, ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, और जो टारगेट हमें नजर आएंगे ना, अच्छे खासे टारगेट इस शेयर के नजर आएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं वैसे ही शॉर्ट टर्म वैसे बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर बात करें तो 100 रुपए 93 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये शेयर, तो 59, तो ये 59% ये हो गया, प्लस में यहाँ पर अगर बात करें 77% के यहाँ पर टारगेट नजर आते हैं यहाँ से, और हमने नीचे से ले रखी है चीजें और ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, अगर नीचे गिरती है अपॉर्चुनिटी, याद रखिएगा, क्योंकि जिस जिस तरीके की ये कैंडल्स बन रही थी ना, ये ऊपर का इशारा कर रही थी, अभी लोअर सर्किट लगा है, नीचे आता है अपॉर्चुनिटी, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो हमने बात करी है एपी पॉलीमर्स के बारे में, हमने बात करी है यहाँ पर TV18 के बारे में, हमने बात करी है यहाँ पर इंड बैंक के बारे में, और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और शेयर से रिलेटेड बात करेंगे, जो कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको दिखाया था, विश्वराज शुगर। विश्वराज शुगर माइक्रो कैप कंपनी है, छोटी छोटी कंपनी है, बट ऐसी कंपनी जो अच्छे रिजल्ट पेश कर रही है, पैसा बना के देगी। 24 रुपए पे शेयर चल रहा है, 25-26 पे यहाँ पर वीडियो बनाई थी, 2 रुपए ही टूटा है, ज्यादा यहाँ पर टूटा नहीं है, बट 2 रुपए एक बड़ी गिरावट है, इस चीज को याद रखिए, लगता है 2 रुपए ही टूटा है बट ज्यादा टूटा है, बट शेयर 45 से 24 पे आया है, इस चीज को भी याद रखिए। डेट है कंपनी के ऊपर थोड़ा सा, पी की बात करें 18 के पी पे चल रहा है, आरओसी आरओई कुछ खास नहीं है, बट कंपनी यहाँ पर देखे तो एक अच्छे खासी ऑलरेडी ग्रोथ दे चुकी है, 2019 में कंपनी आई थी, उसके बाद अच्छे खासे रिटर्न, और उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट, और ये गिरावट एक मौका है, क्यों? क्योंकि एक रेजिस्टेंस पे यहाँ पर दिखा रहा है, बट इस बार के जो रिजल्ट थे, सेल्स देखिए हाईएस्ट एवर सेल्स थी कंपनी की, और कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कंपनी का 29% का यहाँ पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिखा रहा है, समझ में आ रही है, 29% का यहाँ पर कंपनी 29 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेसिस पर थोड़ा सा यहाँ पर डल दिखा रहा है, ओके, यहाँ पर ईपीएस थोड़ा सा कम आ रहा है, बट कोई नहीं, क्वार्टरली बेसिस पर और कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ दिखा रहा है, ये एक अच्छी बात है। सेल्स यहाँ पर देखिए, और ईथ और शुगर के साथ तो यहाँ पर इथेनॉल का यहाँ पर जुड़ा हुआ है नाम, ओके, इथेनॉल की बात कर रहे हैं, जब इथेनॉल की बात कर रहे हैं, और ये ऐसी जो छोटी छोटी कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्मेंस करके दिखा रही है, जो घाटे में थी यहाँ पर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दिखा रही है, तो ऐसी कंपनी भागती हुई दिखाई देगी, याद रखिए। तो यहाँ पर रिस्क जुड़ा हुआ है, नो डाउट रिस्क है कंपनी में, बट कंपनी के में प्रॉफिट की पूरी कैपेबिलिटी है, और कुछ चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी का बोरिंग भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है, पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, तो यहाँ पर दोनों तरीके से आपको देखना है। FIIs भी है, DIIs ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है लास्ट क्वार्टर में, यहाँ पर बात करें बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीद रखी है, सब कुछ यहाँ पर अच्छा खासा है, तो यहाँ पर
ये शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, बट जितने भी ये शेयर बताए हैं सारे रिस्की स्टॉक्स है, तो इतना ही पैसा लगाना कि कल को अगर आपका शेयर डूब भी जाता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो, बट ये जितने भी स्टॉक्स बताए हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी बताया है, तो डूबने के चांसेस ना के बराबर है, भागने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर 88% का 89% का पूरा जंप दिखाई दे रहा है, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो शेयर है ओके एक बेहतरीन लेवल पर बार बार आके यहीं पर ही रुकता हुआ नजर आ रहा है, टूट सकता है ओके। टूट के यहाँ पर दोबारा मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था लगभग 20 रुपए तक ये भी शेयर आ सकता है ओके, 24 रुपए का है तो 20 रुपए तक आ सकता है, बट उसके बाद एक रैली बनती हुई नजर आएगी जो कि इसे अच्छा खासा भगाती हुई दिखाई देगी। तो मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में 24% का टारगेट ओके, लॉन्ग टर्म में यहाँ पर 45 45 रुपए जो कि 88 89% तक के लिए बना हुआ हूँ, क्योंकि शुगर में गेम प्ले भी शुगर चीजें भागती हुई नजर आएगी। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, ये चारों स्टॉक्स पे नजर रखें, चारों स्टॉक्स काफी बेहतरीन है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, काफी अर्निंग अच्छी खासी आई है, और नीचे मिलता है तो बाय एंड डिप्स करने की कोशिश करिएगा, और चीजें ऊपर जानी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जितना हो सके सपोर्ट करें, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।